नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी कलर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि RRAO HQ दानापुर का है और 1 नवंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रांकी वेव स्टेपवेल रॉकेटेड। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इन विच स्टेट इज श्री हरिकोटा लोकेटेड। श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा में। यस, क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, ग्रैंड मास्टर टर्म इज लोकेटेड टू विच गेम। क्या होगा इसका राइट आंसर? टेनिस, चेस, क्रिकेट या गोल्फ। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चेस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यस, कौन सी रिवर है दोस्तों? गंगा या गोदावरी, कोसी, नर्मदा। यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। यस, क्या है दोस्तों, कौन सी मैगजीन है वो? स्वतंत्रता या द टाइम्स या यंग इंडिया या इंडिया मायरर। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यस, क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर होगा हमारा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन वट विल बी दिस टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 104 डिग्री सेल्सियस पर, या 106 पर, या 108 पर, या 98 पर। यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा हमारा 104 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? गैदरमल या कोयला या टीडल या सोलर। क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, आइंस्टीन गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बराबर एम स्क्वायर, या एफ बराबर एम ए, या पी बराबर एम वी, या पी ई एम जी एच। क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर हमारा? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर एम स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द गिवन टू द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर है कॉस्मिक हाईवे, रूट, ऑर्बिट या मिल्की वे। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, द ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ दीज आईज। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है यह, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के इंडियन आर्मी क्लर्क में क्वेश्चन आस्किंग किए जाते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन का? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये है हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ से मैं आपको मैथ का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इन मैथ के क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर बताना, मैं इनके स्पेशल वीडियो आपको बनाकर लेकर आऊँगा। चलिए आइए हम मैथ के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 hour वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर द डिस्टेंस ऑफ 61 into 2 hours व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। अब करंट में उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? 2 किलोमीटर पर hour या 2.5 किलोमीटर पर hour या 1 किलोमीटर पर hour या 1.5 किलोमीटर पर hour। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर पर hour।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। रमन स्कोर 456 मार्क इन ए एग्ज़ाम एंड सीता गॉट 54% मार्क इन द सेम एग्ज़ाम, विच इज़ द 24 मार्क लेस देन रमन। इफ़ द मिनिमम पासिंग मार्क इन द एग्ज़ाम इज 34% देन हाउ मच मोर मार्क्स। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। डिड रमन स्कोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क, ये पूछा जा रहा है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। 180 180 या 190 या 184 या 196। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा 184, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 7 × 15 या 8 × 25 या 3 × 10 या 2 × 5, कौन सी है दोस्तों स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8 × 25। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। 14 क्वेश्चन हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या होगी दोस्तों इसके रेडियस और सर्कल, 1 × 2 यूनिट या पाई यूनिट या 4 यूनिट या 2 यूनिट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। फाइंड द एच सी एफ ऑफ 15 and 13 and 45, इनका एच सी एफ क्या होगा दोस्तों, यस क्या होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर 5, 9 या 30 या 15। यस क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव एड ऑड पॉजिटिव इंटीगर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। यस क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, 5 × 7 या 3.15 या 11.13 या 7.9। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 11 × 13। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। द पैरामीटर ऑफ द टॉप ऑफ रेक्टेंगल टेबल इज 28 मीटर एंड वेयर इट एरिया इज 48 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट डायगोनल। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, यस क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन हैं मैथ में। 20% ऑफ एक्स इजक्वल टू 400, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या होगी एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर, यस क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए 1900 या 2100 या 1800। क्या होगी दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या होगी। यस क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 5 इन ईच नंबर देन रेशियो बिकम 5:7, फाइंड आउट द नंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों, यस क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से जल्दी जिस जिसको इसका आंसर पता है कमेंट कर जल्दी बताइए। यस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर ए 35.40। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 500 फॉर 4 ईयर एंड 6% पर एनम। क्या होगा इसका राइट आंसर, यस या RS 120 या RS 150 या RS 200 या RS 100। यस क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 120, RS 120, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, और यहाँ से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर के किस प्रकार के क्वेश्चन जो आस्किंग किए जाते हैं एग्जाम में। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे कंप्यूटर का 21 क्वेश्चन है। ए पॉपुलर वे टू लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बहुत ही जी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार कई बार रिपीट हुआ है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ई लर्निंग या आइसोलेटेड लर्निंग या क्लोज लर्निंग या आई लर्निंग। यस क्या होगा इसका राइट आंसर, ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
इन एम एस वर्ड आर टी एफ स्टैंड फॉर क्या है दोस्तों? रियल टाइम फॉन्ट्स या रियल टाइम फॉर्मेटिंग या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या रियली टेक्स्ट फाइल्स? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स यूजर कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल, फाइल नेम या पाथ फोल्डर या फाइल एक्सटेंशन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर? फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। इन कंप्यूटर मॉडम स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में मॉडम स्टैंड फॉर क्या है दोस्तों? माइक्रो डेमो या माइक्रो डेमोन्स, मॉड्यूलेटर, डेमो डिलूटर या मोनो डेमो। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉड्यूलेटर, डेमो डिलूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे यहाँ पर पैसेज का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल्जर कलर में पैसेज के क्वेश्चन आस्किंग किए जाते हैं। आप इनको पैसेज के क्वेश्चनों को खुद सॉल्यूशन करें, मैं इनको सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आस्किंग किए जा रहे हैं पैसेज के, क्योंकि आप इनकी खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, मैं इनको आपके लिए नहीं कराऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 26 क्वेश्चन है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनको पैराग्राफ से ही ढूंढ कर पा सकते हैं इनका आंसर। देख सकते हैं 27 क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट किचन गार्डन आर एप्रिकेटेड। आप इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट कर बताना दोस्तों, कितने किसके सही क्वेश्चन हैं इसमें। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ईजी पैराग्राफ है दोस्तों, ये कोई हार्ड लेवल का पैराग्राफ नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इसलिए आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता होता कि ये पैसेज पूछा जाएगा, किस तरह के पैसेज पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको खुद सॉल्यूशन करें, वीडियो पॉज कर आप इनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार का ये पैसेज है, देख सकते हैं आपको मैं यहाँ पर इसलिए करा रहा हूँ। देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ईजी पैराग्राफ है, ये कोई हार्ड पैराग्राफ नहीं है। यदि आप लोगों के पास ये पैराग्राफ नहीं होता है तो कमेंट कर बताइए, मैं इस पैराग्राफ का भी सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। चलिए हम यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और देखते हैं ग्रामर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। पहले आप दोस्तों आपसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, क्या है दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, आपसे यहाँ से आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। देख से हम क्या किस प्रकार के आर्टिकल हैं ये दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई मेट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड इन द ट्रेन, आई मेट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड इन द ट्रेन। क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, आई फर्स्ट सॉ द हिमालयस, आई फर्स्ट सॉ द हिमालयस फिल इन द ब्लैंक्स ईयर एगो। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको देख सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों 38। देखते हैं आप यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आई फर्स्ट सॉ द हिमालयस ए ईयर एगो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर ईच सेंटेंस। देखते हैं यहाँ पर हम किस प्रकार के, पी ब्रैकेट टू फ्लैस्क सेव बैग्स एंड ओ इनसाइड आर फोर एस इट टी स्टोरिंग यू बेली वी इट्स डब्लू हैज एक्स एक्स वाटर। क्या आएगा इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में? आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यस, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का? यस, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे देखते हैं क्या है, ये भी दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पी हेल्दी पर्सन एंड क्यू गेम्स आर एस कैरी टी एम यू ऑफ वी इन डब्लू ब्रैकेट बॉडी एक्स टाइपॉइड एंड कोलेरा।
क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, ये भी दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट पी आल्सो ब्रैकेट क्यू कैलकुलेटिव ब्रैकेट आर द ब्रैकेट एस आस्क्ड टू ब्रैकेट टी हेड टू ब्रैकेट यू दोज ब्रैकेट वी एच ब्रैकेट डब्ल्यू क्रॉप्स एंड ब्रैकेट एक्स द इंग्लिश। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर पी टी की यू डब्ल्यू वी एक्स एस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेंट एंड एरर इंडिकेटेड द पार्ट विच हैज़ द एरर। क्या है हमारा 42 क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्लेन लैंडेड एंड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स एंड बी डैमेज्ड बाय ए सेल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 का, ही फाउंड या दैट वन ऑफ द विंग्स व्हेन द प्लेन लैंडेड या ही बी डैमेज्ड बाय ए सेल। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर, बी डैमेज्ड बाय ए सेल ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा इच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेंट एंड एरर इंडिकेटेड द पार्ट ऑफ विच हैज़ द एरर। ये भी एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, व्हेन ही कम्स टू सी द ही यूजुअली विल ब्रिंग समथिंग विद हिम। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर, व्हेन ही कम्स या टू सी या ही यूजुअली विल ब्रिंग या समथिंग विद हिम। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर, ही यूजुअली विल ब्रिंग ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, ये भी एरर का क्वेश्चन है, द रेसियो प्रोस्ट आस्क्ड मी व्हाट आई डू वांट एंड टू मीट इन द ऑफिस। क्या होगा इसका राइट आंसर, व्हाट आई डू वांट या द रेकिप्स निस्ट या आस्क्ड मी या टू मीट इन द ऑफिस। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का, यस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आस्क्ड मी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन सा वर्ड है जो दोस्तों सही है, स्पेलिंग जिनमें से सही है, देखते हैं क्या कौन सी स्पेलिंग सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में या ऑप्शन बी में या ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये सही है दोस्तों, HARASMENT और बाकी ये दोस्तों गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ए पर्सन हु कंप्लीट्स ए डिक्शनरी इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो दोस्तों, ऑथर या लिंग्विस्टिक या लेक्सिकोग्राफर या ग्रामरियन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर होगा लेक्सिकोग्राफर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हमारा, डिड ही गेट ए न्यू शर्ट एंड क्वेश्चन मार्क, यस ही फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, बॉट फॉर हिमसेल्फ वन या बॉट वन फॉर हिमसेल्फ या बॉट वन हिमसेल्फ या बॉट हिमसेल्फ वन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर होगा बॉट फॉर हिमसेल्फ वन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनियम एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, विच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू कैंसल। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, कैंसल का अलाउ या ब्रेक या एपोलिस या अप्रूव। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अप्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट सिनोनियम एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, विच ऑफ दिस वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू अबैंडन अबैंडन। क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रोड्यूस या एजर्ट या रिटेन या ट्विस्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर होगा रिटेन ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट सिनोनियम एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, विच ऑफ दिस वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू केस। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्रीट या स्टॉप या डुल या बिगिन। यस और ये हमारा आज का क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, यस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिगिन। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी,
यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।